Assalamu alaikum everyone, this is your biology teacher. You know, we started a new chapter, chapter number 7, that is bioenergetics, and in our previous lecture we discussed briefly about bioenergetics. Okay, but in this chapter we started a new topic, that is ATP, the cell energy currency. हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4 में बायोएनर्जेटिक्स को. अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एटीपी, द सेल एनर्जी करेंसी. सबसे पहले तो एटीपी के बारे में राइट किया गया है कि डिस्कवर्ड बाय कार्ल लोमैन इन 1929 में कार्ल लोमैन ने एटीपी को डिस्कवर किया था. एटीपी इज एब्रिविएटेड एज एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ओके, और इस टॉपिक में हम ये भी स्टडी करेंगे कि एक सेल की जो एनर्जी करेंसी है, यानी सेल की जो वैल्यू है वो कितनी है. कि लेट्स सपोज हम ये स्टडी करेंगे कि अगर एक एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो उससे हमें कितनी एनर्जी जो है वो मिलेगी. अब एटीपी इज अ कॉम्पोनेंट मॉलिक्यूल. ये जो एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इट्स अ कॉम्पोनेंट मॉलिक्यूल. किस चीज का कॉम्पोनेंट मॉलिक्यूल है ये? इसमें हम कहते हैं कि जब थ्री बॉन्ड्स ऑफ फॉस्फेट, ओके, नॉट फॉस्फोरस, ये फॉस्फेट है, ओके, थ्री बॉन्ड्स ऑफ फॉस्फेट अटैच होते हैं विथ द राइबोस शुगर, ओके, और इनके साथ अटैच होता है एडनीन. एडनीन इज बेसिकली अ बेस, दैट इज नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस प्लस राइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, थ्री फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो जो एक मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को कहते हैं कंपोनेंट मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने हमारे माइंड में यही कॉन्सेप्ट है कि एटीपी बेसिकली है क्या. ठीक है, तो जब हम चैप्टर नंबर 4 पे थे, जब हमने ऑर्गेनेल्स को पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज बेसिकली द पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे सेल्स को एनर्जी देता है. कैसे एनर्जी देता है? लेट्स सपोज जब हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है, ओके, और वो ग्लूकोज हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहां पे जाके ऑक्सीजन के साथ मिलेगा. अब वो ऑक्सीजन कहां से आए? वो ऑक्सीजन हमने अपने एनवायरमेंट से इनहेल की थी. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, हम खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, जो ऑक्सीजन हम अपने एनवायरमेंट से इनहेल कर रहे हैं. और जब O2 के मिलने से, ग्लूकोज और O2 मिलने से सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है. ठीक, जो हमारे फूड से ग्लूकोज अंदर गया था उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है. जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो बनता है वॉटर प्लस CO2 प्लस ATP, फॉर्म ऑफ ATP. CO2 को हम बॉडी से एक्सहेल आउट कर देते हैं. वाटर अगर हमें हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होता है तो हम यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसको भी एक्सक्रीट आउट कर देते हैं बॉडी से. और ATP उस फूड मॉलिक्यूल से, उस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमें ATP भी मिलती है. ओके, इसलिए कहते हैं ATP बेसिकली सेल्स एनर्जी करेंसी है. ये सेल की बेसिक एनर्जी करेंसी है. अब हम सबसे पहले इनके इसके कुछ जो
फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो ये एटीपी का मॉलिक्यूल है ये बेसिकली बनता कैसे है और ब्रेक कैसे होता है, फिर फर्दर जो जितने भी प्रोसेसेस हैं ना वो सब पढ़ेंगे। हम कहते हैं कि जो एटीपी है इसने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ने हमारी बॉडी के छोटे से छोटे काम को और बड़े से बड़े फंक्शन को भी कंट्रोल कर रहा होता है एटीपी। ओके, कैसे कंट्रोल कर रहा होता है? अगर इसका फर्स्ट फंक्शन देखें तो जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, याद होगा आप लोगों को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, एक्सोसाइटोसिस हो रही होती है, एंडोसाइटोसिस हो रही होती है, ठीक है। एक्सो एंडोसाइटोसिस क्या था, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था ना कि एक्सो मींस किसी भी पार्टिकल का बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना, और एंडोसाइटोसिस मींस कि इन वेज क्रिएट होता है और उसके बाद जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं इनके ट्रेवल करने के लिए या इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, ठीक हो गया। इन तीनों की ट्रांसपोर्ट, इन तीनों को ट्रांसपोर्ट होने के लिए हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी मौजूद होना चाहिए, और वो एनर्जी जो है वो कौन हमें प्रोवाइड करता है, वो हमें एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। अब वो एटीपी कहां से आया था, जो हमने फूड ली थी। ओके, उसके बाद सेकंड इसका फंक्शन है कि ये करता है, सेकंड फंक्शन क्या परफॉर्म करता है एटीपी, कि सिंथेसिस करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। अब वो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, वो है डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। दीज आर बेसिकली डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। आपको पता है इसकी एब्रिविएशन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज एब्रिविएटेड एज राइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन तो प्रोटीन है। क्या है ये तीनों? ये बेसिकली हमारी इनहेरिटेंस है, डीएनए आरएनए हमारी बेसिकली इनहेरिटेंस है, कि हमारी खसूसियात को, या यूं कहा जाए कि डीएनए और आरएनए जो है वो हमारी खसूसियात को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा हेरिडिटी मटेरियल होता है तो ये हमारी खसूसियात को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इन तीनों के बनने के लिए भी इनको एटीपी ही चाहिए होती है। कैसे? मैंने बनाया था पूरा एटीपी का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच थे। अब जो इनके दरमियान ये बॉन्ड प्रेजेंट है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो इस बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी हमें मिलती है, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं, हमारी बॉडी अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसको यूज करती है, ठीक है। तो जब सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा तो तब भी यही जो बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, फॉस्फेट बॉन्ड का जो कोवलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी बेसिकली यूज होगी टू रन आउट द फंक्शंस ऑफ आर बॉडी, जिनमें से एक फंक्शन ये भी होगा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी। उसके बाद अगर हम देखें कि मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कि जो इनका एटीपी का एक और फंक्शन क्या है, कि हमारी बॉडी के अंदर अगर एनर्जी होगी तो ही हम मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस कर सकेंगे। कैसे? कि लेट्स सपोज आपको बॉडी के किसी पार्ट में इंजरी हो जाती है कोई भी, तो आपको आपका जो आपकी जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो फंक्शन देंगी, वो ये काम देंगी कि आप वो जो नर्व इम्पल्सेस जो है वो फंक्शन देगी कि आपकी जो मैसेज है ये ब्रेन तक डिलीवर करें, और जब वो मैसेज ब्रेन तक जाएगा कि आपको बॉडी किसी पार्ट पे इंजरी हो गई है, तो जब वो मैसेज ब्रेन तक जाएगा तो जो ब्रेन है वो मैसेज डिलीवर करेगा हैंड को कि भाई आप जाओ और एज अ डिफेंस जो इंजरी हुई है वहां पे ब्लीडिंग को रोको, या कुछ भी ऐसा जो सीन है वो नर्व इम्पल्सेस की वजह से हो रहा होता है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है, ग्लूकोज लेवल ही जो है वो बहुत डाउन है, तो हम ये रिस्पॉन्स तो शो ही नहीं करेंगे, मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस भी नहीं होगा। तो ये भी बेसिकली किस वजह से हो रहा है? एटीपी की वजह से ही हो रहा है, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ही वजह से हो रहा है,
और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल हमें कहाँ से मिला था, जो हमने फूड खाया था और उस फूड में ग्लूकोज में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ था और वहां से वाटर और CO2 बने थे, तो उनकी उनके साथ साथ एटीपी का मॉलिक्यूल भी बना था और उस एटीपी को हमने अपने बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बाद में यूज किया था। ओके, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलें कि ये बनता कैसे है, एटीपी का जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास होता है एडनीन। ठीक, एडनीन इज अ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और सेकेंड इसके साथ अटैच होता है पेंटोज शुगर। ठीक, इसको पेंटोज शुगर को एडिनोसिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, लेकिन जब इसके साथ आपके कोई फास्फेट अटैच्ड हो जाता है तो फिर इन तीनों का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, जब एडनीन और पेंटोज शुगर अटैच्ड होंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइट। एडनीन प्लस पेंटोज शुगर अटैच्ड होंगे, एडनीन इज अ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर को हम अदर वर्ड्स में एडिनोसिन भी कहते हैं, अटैच्ड होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको न्यूक्लियोसाइट कहा जाएगा। और जब इन दोनों के साथ हम एक फॉस्फेट भी अटैच कर देंगे तो उसको कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर? अब अगर हम देखें कि एडनीन तो हमारे पास है, ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं यहीं पे। शुगर जो कि क्या है, राइबोस शुगर, और यहां पे हमारे पास क्या है, एडनीन। ठीक है, एडनीन राइबोस शुगर प्लस वन फॉस्फेट अटैच्ड होगा तो हमारे पास बनेगा, वन का मतलब क्या होता है, मोनो, टू होता है डाई एंड थ्री होता है ट्राई। ठीक है, तो एडनीन प्लस शुगर प्लस सिंगल फॉस्फेट जब अटैच होगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसको कहा जाएगा ए एम पी। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, जब एडनीन शुगर प्लस टू फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो इसको कहा जाएगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, और जब शुगर एडनीन प्लस थ्री फॉस्फेट्स अटैच्ड होंगे तो इसको कहा जाएगा एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन है बेसिकली एटीपी की। एम मतलब मोनो, डी मतलब डाई एंड टी मतलब ट्राई। जब दो एडनीन एक एडनीन शुगर प्लस सिंगल फॉस्फेट अटैच होगा तो एएमपी बनेगा, इसको कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडनीन शुगर प्लस टू फॉस्फेट अटैच होंगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडनीन शुगर प्लस थ्री फॉस्फेट अटैच होंगे तो इसको कहा जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अब जब ये ब्रेक होता है, एनर्जी सेल की एनर्जी करेंसी की वैल्यू क्या है? ठीक है, जब मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम उसकी वैल्यू को भी डिस्कस करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या निकलती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पूरा मॉलिक्यूल होता है एटीपी का। एटीपी प्लस H2O रिएक्शन होगा और एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो तीन एटीपी थे, टी मीन्स ट्राई, एटीपी के तीन मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के साथ रिएक्ट करके जब ये ब्रेक होगा तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल रह जाएंगे, मतलब एडीपी रह जाएगा प्लस, क्योंकि एक पी तो निकल गया, वो फॉस्फेट जो था उसको हम बाहर निकाल लेंगे, प्लस एनर्जी
मतलब अभी हमारे पास जस्ट ये एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अभी ये दो बॉन्ड हमारे पास रहते हैं, अभी जस्ट ये वाला जो फॉस्फेट था ये ब्रेक किया है, ये दोनों फॉस्फेट हमारे पास हैं, तो क्या रह गया एडीपी प्लस ये जो पी निकल गया उसको लिखा पी वन प्लस एनर्जी, और जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी वो होती है 7.3 किलो कैलोरी। ओके अब एटीपी तो ब्रेक डाउन होगी एटीपी की, हमारे फिर पास रह गया एडीपी, एडीपी प्लस एच टू ओ, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास रह जाएगा ए एम पी एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि पहले ये एक निकला था ठीक, अब ये दो ब्रेक हो गए तो अब हमारे पास जस्ट सिंगल फॉस्फेट रह गया पी वन प्लस एनर्जी, और एनर्जी कितनी होगी 7.3 किलो कैलोरीज। ओके सो ये था एटीपी की वैल्यू, कि एटीपी का जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इतने किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलती है, और बनता किस तरह से है वो भी मैंने आपको बताया, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है।